धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लगने वाला दुनिया का सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजन माघ मेला आज 6 जनवरी से पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शुरू हो गया है। आज से ही संगम की रेती पर एक महीने तक चलने वाले कल्पवास की भी शुरुआत हो गई। मेले के लिए संगम की रेती पर अलग से तंबुओं का शहर बसाया गया है, साथ ही इस बार सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम भी किए गए हैं। पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में माघ मेला क्षेत्र में संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालु और जो कल्पवासी यहां पर प्रवास कर रहे हैं लगातार स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी शीतलहर है, शीतलहर और धुंध के बाद भी टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी लगातार स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम आवागमन देने के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं, पुलिस के सारे बंदोबस्त किए गए हैं जिससे कि उनको पार्किंग की व्यवस्थाएँ मेला क्षेत्र के अंदर की गई हैं जिससे कि उनको पैदल कम से कम चलना पड़े, जो जब स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान मिले इसके लिए रिवर लाइंस और डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, SDRF की टीम्स और NDRF की टीम्स भी जल में मौजूद है और लगातार नज़र रखी हुई है। मेले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से और CCTV कैमरे के माध्यम से ICCC में लगातार फीड लेके मेले के चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। अभी तक जो प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं विभिन्न स्नान घाटों पर लगभग 10,000 से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये तांता लगातार जारी है। जैसे जैसे थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा तो संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। योगी सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर इस बार के मेले में खास तैयारियां की जा रही हैं। कई नई व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं, कई प्रयोग किए जा रहे हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। माइक घुमाओ, आवाज कम आ रही है। हमारा लोग सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और प्रशासन के पुलिस के सभी अधिकारी लोग इस बात के लगे हैं कि श्रद्धालुओं का जो अनुभव है यहाँ पर अच्छा अनुभव है, तो पूरी व्यवस्थाएँ अपने जगह चार प्रबंध है और जो नई चीज़ें कर रही हैं उसमें बहुत सारे नए अनुभव करे गए हैं, नई व्यवस्थाएँ इस बार करी गई हैं। तो आप जैसा कि देखेंगे हर जगह जो आपका जो मेन जगह रहेगा वहाँ पे क्योंकि आस पास स्नान में कम लोग बाकी ज़्यादा जो कोविड हो जाएंगे उनके लिए डायरेक्शंस हैं हर चौराहे पे, तो आए जब रहेगा तो वहाँ पे कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो फसाड्स हैं जो आपका जो दुकानें जब यहाँ पे लेंगी उसको बिल्कुल एक रूपता में फसाड को लाया जाएगा और CSR के माध्यम से जो श्रद्धालु हमारे आते हैं जैसे जिसमें बड़ा स्नान होता है उससे पहले आ जाते हैं, अक्षयवट के पास एक बड़ी डॉर्मेट्री बनाने की हमारी प्लानिंग है जो आधी बन गई, 14 जनवरी से जो बड़ा स्नान आएगा उससे पहले पूरी बन जाएगी। आगे भी बहुत सारी हमने नई सर CM ने भी बैठक की थी लखनऊ में, कोविड लेके सख्त निर्देश दिए गए थे मेले में, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी और माघ मेले के तर्ज पे कहा गया था। हाँ, इसमें जो हर जगह जो आप देखेंगे यहाँ पे तो अपनी वो रहेंगे गेट्स पे इनका जो थर्मल शील्डिंग है उसकी होने की बात है। हर जगह हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उसके वजह उसके साथ साथ 10 छोटे हॉस्पिटल्स हैं और अपनी जो हेल्थ टीम है वो चकमा में रहेगी और जहाँ भी देखेगी यदि कोई अगर आपके इस तरह के जिसमें किसी प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं तो वहाँ पे उनकी टेस्टिंग भी कराएगी और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक 2 हॉस्पिटल्स हमारे इस तरह से तैयार हैं अगर कोई हमारे पास कोविड की एकदम कोई स्थिति आती है तो उसे निपटेगी। मेला क्षेत्र में PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने का संदेश देती हुई तमाम होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जल पुलिस, PEC के जवान, घोड़सवार पुलिस, ATS और ड्रोन कैमरे से भी पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। आदि काल से होता हुआ चला आया है, हमारे ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्ष पहले से करते चले आए उसी का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग सीतापुर से आए हैं और आज संगम तट पर अपने पुत्रों पत्नी के साथ आए स्नान करेंगे और आज से मांग बात की 1 महीने की स्नान है, 6 तारीख से शुरू है
6 जनवरी से और 5 फरवरी तक अनवरत चलेगी। लोग मुख्य स्नान पर यहाँ आते हैं संगम पर, बाकी जो जिसका पड़ाव जहाँ पे वो वहाँ पे रुकता है, अपनी स्नान करता है और वही संकल्प पंडा वगैरह देता दान करता है। में क्या आपने संकल्प लिया किसी जी? संकल्प हाथ दक्षिणा देंगे, पंडा को पूर्ण करेंगे, अपने घाट पर भी जाएंगे, छौर कर्म भी करवाएंगे हम लोग जी। और सुबह शाम और कभी कभी हम लोग त्रिकाल स्नान भी करते हैं। महाराज जी देखा जाएगी इसमें न्यूनतम पारा 7 डिग्री है जी, तो कितनी ठंड में भी आप हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, ये कल्पातियों को ये लगते नहीं है कि इतना ठंड है। जितना जाड़ा बढ़ता है हम लोगों का आनंद उतना ही महसूस होता है यहाँ पे। उठ के सब नहा लेते हैं सुबह प्रातः काल, हम तो 3:15 बजे उठ जाते हैं। गंगा मैया तो, कृपा माने इसके। हाँ बिल्कुल कृपा और श्रद्धा में समझिए, श्रद्धा के प्रति लोगों श्रद्धा। महत्व इसका ये है भैया, हमारे पुराने आजा बाबा जो संस्था से बहुत दिन से काफी से अन्न क्षेत्र ही है, ये चल रहा है अन्न क्षेत्र इसको बोलते हैं। जितने श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पे आते हैं, पौष पूर्णिमा नहाते हैं, 1 महीना कल्पवास ये लोग करते हैं, 1 महीना कल्पवास करते हैं लोग। जितने गरीब हैं, दुखिया हैं, ब्राह्मण हैं, सबको दान दक्षिणा करते हैं जाके टेंट बाड़ा पे, जो ब्राह्मण पंडित पंडा लोग हैं। टेंट महत्व बहुत ज़्यादा है, आज के दिन महत्वपूर्ण है इसका दान। आज सभी को दान धर्म करते हैं, अपना पाप ग्रह से पराजित होते हैं, ये लोग जाके फिर 1 महीना बाद अगले पूर्णिमा के दिन माघ के लास्ट पूर्णिमा के दिन अपने घर के लिए प्रस्थान होते हैं। प्रमोद मिश्रा, दसवार मंडा, प्रयागराज। आज के दिन चलेगा अन्नदान रहेगा, वो चावल रहेगा, तिल रहेगा और द्रव्य रहेगा, यही सब रहेगा, दीप दान करेंगे, इसी में वस्त्र जिसको जो श्रद्धा है वो लोग अपना करेंगे आज के दिन, यही है। धन्यवाद।